हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बॉब एंड मॉम। सो कैसे हो? सबसे पहली बात, दिवाली आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, सो एडवांस दिवाली विशेस टू एवरीवन। एंड देन फेस्टिव का सीजन चल रहा है, तो मैंने सोचा आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, शॉपिंग में बिजी होंगे, सो क्यों ना आप लोगों की शॉपिंग में थोड़ी मदद की जाए अपने रिव्यू से। तो मैंने सोचा कि चलो, मेरे शॉर्ट्स पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग नेल पॉलिश कि कलर चेंज करो, ये कलर लगाओ, वो कलर लगाओ। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप ऑल्सो, मतलब मेकअप में मेरा हाथ ना एकदम ढीला था अभी, बट आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग बिकॉज ऑफ यू गाइज। एंड जो ये सुंदर सुंदर इयरिंग देख रहे हो ना, ये मीशो हॉल का है। अगर नहीं चेकआउट किया है तो इसके बाद इस वीडियो को छोड़ के नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर चेकआउट कर लेना। एंड आपको मेरे चैनल पे क्या क्या मिलेगा पहले से बता दे रही हूँ, हॉल वीडियोज चाहे वो अमेजोन से हो, मीशो से हो, शॉपिंग वीडियो, होम डेकोर किया नहीं है बट वो भी स्टार्ट कर देंगे, डेली व्लॉग्स, बच्चा क्योंकि मेरा आदमी छोटा सा बेबी है इसलिए बॉब एंड मॉम, क्योंकि मैं मॉम आदविक है बॉब, जो जिसको मैं पढ़ाती हूँ उसको ध्यान रखती हूँ, और ही इज अ टॉडलर 2 ईयर्स ओल्ड। तो आपको सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे, रेसिपी ले लो, हॉल वीडियो ले लो, बेबी से रिलेटेड उसको कैसे पढ़ाए ये ले लो। एक मिनट, ये मुझे बाल बहुत परेशान कर रहा है, हाँ साइड कर देते। सो यस, सो विदाउट वेस्टिंग आपका टाइम, मेरा टाइम, किसी का भी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उसके पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिले, जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहले ये नेल पॉलिश की बात कर लेती हूँ, ये देखो कितने क्यूट से नेल पॉलिश लग रहे हैं। जब शॉर्ट्स शेयर करती हूँ ना तो लोग मेरे नेल पॉलिश बहुत नोटिस करते हैं, देन आई थॉट एंड देन आई स्टार्टेड आस्किंग पीपल कि मुझे बताओ मैं कौन सा नेक्स्ट कलर लगाऊँ, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्ड आप लोगों को मिल रहे थे। देन आई गॉट रिस्पॉन्ड कि ब्लैक लगाओ, व्हाइट लगाओ, मेरे पास सारे कलर नहीं थे बट जो थे तो वो हैं, वो बाद में किसी दिन मैं आपको कलेक्शन दिखाऊंगी अपने नेल पेंट के, बट मेरे पास कुछ कुछ कमेंट्स आ रहे थे लाइक ऐसे ब्लैक लगाओ, स्काई ब्लू लगाओ, तो वो सारे मेरे पास थे नहीं, तो मैंने ऑर्डर कर लिया आप लोगों की वजह से एंड आप लोगों के लिए, तो थैंक यू फॉर कमेंटिंग। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ नेल पेंट। सो ये देखो मैंने 5 नए और कलेक्शंस मेरे बढ़ गए आप लोगों की वजह से। सो ये मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से, सो ये अमेजोन प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किए थे आप लोगों के लिए, और ये तो जिसमें से सारे इनसाइड्स के हैं, तो अभी फेस्टिवल दिवाली के चक्कर में ना बहुत ऐसे कुछ अच्छा डिस्काउंट मिल गया। सो ये इनसाइड का है, नंबर 23 ऑरेंज कलर है, और ये है 50 रुपीज़ का, बट अगेन मुझे ऑफर मिला तो मैंने ये मुझे मिला है 40 रुपीज़ का। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना होगा ना, मैं उसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ गो एंड चेक आउट, अगर आपको कुछ पसंद आए तो ज़रूर खरीद लेना। तो ये ऑरेंज कलर, देन आई बॉट दिस लाइट पिंक की कलर है, ये पिंक भी नहीं बोलेंगे, कौन सा ये पिंक तो नहीं बोलेंगे, डार्क पिंक या गुलाबी कलर जो भी बोलो आप इसको। सो दिस वॉज अ वेरी प्रिटी कलर जो मैंने, अगेन ये इसका है नंबर 32। सारे मैंने इनसाइड्स के ही ऑर्डर किए, मेरे पास और बाकी ब्रांड्स भी हैं बट इनसाइड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड देन ये स्काई ब्लू कलर, क्योंकि मुझे स्काई ब्लू के लिए भी आइटम पता था नहीं, और ये जो मैंने लगाया हुआ है देखो कितना सुंदर लग रहा है। सो ये शिमरी शिमरी सा, मैंने बोला फेस्टिव सीजन है तो थोड़ा कुछ फेस्टिव वाइब्स भी रखने चाहिए, मेरे पास रेड वगैरह तो था। एंड देन ये शिमरी देखो गोल्ड, सो ये न्यूट सा है बट शिमरी शिमरी सा है, अगेन इस नंबर 17 एंड दिस इज नंबर 18 जो मैंने ऑर्डर किया है। सो मैंने ये 5 नेल पेंट आप लोगों की वजह से ऑर्डर किया, मतलब आप लोगों ने कमेंट किया ना, थैंक यू सो मच। सो ये मैं लगाने वाली हूँ आप लोगों को, जल्दी मेरे रेगुलर वीडियोस में मिलने वाले हैं। सो अगेन दिस इज द वन, अगर कलेक्शन देखना होगा नेल पॉलिश कलेक्शन तो जरूर कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये मुझे ऑफर में मिल रहा था तो ये 50 का था और मुझे 40 रुपीज़ या 39 रुपीज़ का पर पड़ा ईच। सो देन आई थॉट कि ठीक है ले लो यार, फेस्टिवल है, मौका मिलेगा लगाने का। सो यस, नेल पेंट सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो मैंने, ये जो दिख रहे हो ना इसमें का ही है बट आप लोगों के साथ फिर से अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। सो यस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 999 रुपीज एंड देन एक्सपायर होगा 2025 में, तो बना 22 है। ये देखो कलर बोर्ड, सो मैंने ये आई शैडो पैलेट ऑर्डर किया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्विस ब्यूटी का था मेरे पास, बट अगेन मेरे पास अच्छा कलेक्शन नहीं था, बहुत ज़्यादा शिमरी ग्लिटरी वाला नहीं था। सो आई जस्ट ओपन दिस फॉर यू, ये देखो इसमें आपको कितने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो आज मैंने जो लगाया है ये कलर, दिस गोल्डन वन, एज यू कैन सी शाइन कर रहा है ना।
सो इसमें आपको 4 बोर्ड्स मिल जाएंगे। अगेन मुझे ये कितने का मिला था मुझे याद नहीं है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी मैंने इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी ना कि मुझे याद ही नहीं है। सो दिस वॉज MRP 999 बट मैंने आई थिंक इसको 500 कुछ तो खरीदा था, मैं ज़रूर चेक करके यहाँ पे मेंशन कर दूंगी आप लोगों के लिए, सो दैट आप अगर आपको पसंद आए तो आप खरीद सकते हो। और अगर मैं इसके स्कॉचेस दिखाऊँ मेरे को आप लोगों को दिखाती हूँ इसका करके एंड देन सी कितना पिगमेंटेड है, मतलब और भी कलर दिखाती हूँ लोगों। सो ये एक पैलेट में आराम से आप ना ये पर्पल कलर को ये दिस वन एंड देन दिस वन एंड देन एक ये कर लेते हैं अगेन इसको करके दिखाती हूँ सी नॉट शाइन एंड शिमरी सा है। सो मैं को तो इतना पसंद, मतलब मेरे पास मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर अभी नहीं शुरुआत में ही नहीं करना चाह रही थी, जो बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं ना, मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर रहे हैं बिगनर है मेरे जैसे, तो उनके लिए ये बेस्ट पैलेट है बिकॉज आपको सारी चीज़ें आप आराम से इसे एक्सप्लोर करो। और इसमें क्या है ना आई शेडो अलग से आपको आई लाइनर अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा, अगर आप चाहो तो इसी से आप आई लाइनर भी लगा सकते हो कलरफुल आई लाइनर। तो मैंने बोला चलो ठीक है गुड डील, मतलब एक ही चीज़ में बहुत सारा क्लाम ब्लश का भी क्लाम काम हो जाएगा, कॉन्टोरिंग वगैरह भी हो जाएगी इसी में। तो इट्स ओवर ऑल पैकेज जो मैं रेकमेंड करूंगी, अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो जरूर खरीद लेना। एंड देन इसका क्वालिटी भी मुझे बहुत पसंद आया और एक्सपायर तो 2025 में होगा, तो अगेन वी हैव 3 years 3 4 5 years सो टोटल 3 years है हमारे पास इसके लिए। सो आई थिंक दिस इज अ गुड डील, दिवाली में फेस्टिवल है बहुत सारे मौके आएंगे तैयार होने के लिए, तो हम लेडीज को तो बस मौका चाहिए। सो या दिस इज वन ऑफ, मतलब मेरा तो लिपस्टिक फेवरेट है, मेरे पास ऑलरेडी लिपस्टिक के अच्छे कलेक्शंस हो गए थे लेकिन मेरे न्यूड कलर ना वो खत्म होने वाले थे, तो एक मैंने ऑर्डर किया है ये इनसाइड का, अगेन नंबर है 813, ये न्यूड सा कलर है, रुको आप लोगों के लिए खोलती हूँ। एंड देन अगेन ये एक और इनसाइड का है जो मैंने कैंडी कलर करके है लिपस्टिक, दोनों अलग अलग है बट इनसाइड का है, तो इसको मैं ओपन करती हूँ। ये मुझे MRP पड़ा था 130 का एंड इसकी MRP है 175 रुपीज़ की, बट अगेन मुझे अच्छी डील मिली थी याद भी है, बट आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर दूंगी और सबके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी गाइस, आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। और इसको ओपन करते हैं, आई थिंक मैंने ऐसे ऐसे कर दिया ना, तो ये सो ओपन करने में मेरी गलती हो गई, कुछ ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया तो इस वजह से, बट अगर मैं आप लोगों के लिए वॉश करूँ सो ये देखो न्यूड सा कोई कलर है, मैं बहुत ज़्यादा भी ब्लेंड नहीं कर, इसको मैं फिक्स करूँगी, बट अगेन मेरे को ऐसा न्यूड कलर ना बहुत पसंद है, ये टूट गया इग्नोर दैट पार्ट, बट आया अच्छा था, अभी मैंने आप लोगों के सामने ही ओपन किया है कलर, तो इसका सी बहुत ही है, बट ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं मुझे लगता है, ये ट्रांसफर प्रूफ तो मुझे लगता नहीं है, बट अगेन चलो कोई नहीं रख लेंगे, बट ये कलर मुझे बहुत पसंद आया है तो अगेन दिस इज अ गुड डील। रुको दूसरा वाला दिखाते हैं इसको, वॉट में सेकेंड वाला अच्छे से ओपन करेंगे इसको कुछ इसका अगेन ये डार्क न्यूड कलर नहीं है, मुझे न्यूड्स कलर बहुत पसंद है, मैं ज़्यादातर वही लगाती हूँ, मेरे पास बहुत सारे ब्रांड बने रखे हैं, बट इनसाइड मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका शेड ये है और ये देखो ये कितना परफेक्ट है ना, ऐसे भी वो भी था लेकिन मैंने उसको टेस्ट गलत तरीके से खोला इस वजह से, सी दिस इज़ कॉफ़ी कलर, अगर अगेन मैं इसका सी मतलब मुझे ना ये न्यूड कलर्स इतने प्यार हो गया ना मैं क्या ही बताऊँ। इसकी MRP अगेन थी 175 रुपीज़ बट आई थिंक ये मुझे 110 या 120 का ही पड़ा था, तो अच्छा डील मिला था तो मैंने ले लिया। सो ये दोनों लिपस्टिक अगर आप ट्राई करना चाहते हो, इसमें बहुत सारे कलर हैं, इसका अगर इसका कलर देखोगे तो ये नंबर 13 है और इसका 11, बट अगेन दोनों अलग अलग है, ये 130 का है इसकी MRP एंड यस इसकी MRP 130 की है और इसकी MRP 175 रुपीज़ की है, तो दोनों में से जो भी ट्राई करना चाहता है, अगर ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, दिस इज नॉट मैट लिपस्टिक, बट अगर आपको रेगुलर वे में यूज़ करना है ना सी फैल जा रहा है ना, बट अगर ये अगर आप इसे एज अ ब्लश हो या टिंट वगैरह यूज़ कर सकते हो तो कर लो एक्सप्लोर तो यस हाईली रिकमेंडेड, मुझे तो पसंद है, मैं क्योंकि मैं यूज़ करती रहती हूँ ऐसे लिपस्टिक तो इसलिए। तो अब आई शेडो लिया था तो मेरे पास तो सारा ब्रशेस तो थे बट मेरे पास आई ब्लेंडिंग ब्रश नहीं था,
देन आई बॉट ये बेला बीला का आई शेडो ब्रश, जिसकी MRP थी 110 रुपीज़। अगेन मुझे अच्छे डील में मिल गया, आई थिंक ये मुझे बहुत अच्छे डील में नहीं, बट ये आई थिंक 80 या 90 रुपीज़ का पड़ा था। एक मिनट में दिखाती हूँ, रुको। यस, बट अगर इसकी टू स्टार्ट विथ आप और अच्छे ब्रांड के कप्स एंड लैशेज के भी वगैरह भी ले सकते हो, लैक्मे वगैरह के भी ले सकते हो, बट अगेन फॉर मी टू स्टार्ट विथ ये ब्लेंडिंग ब्रश है जो मैंने अभी यूज़ किया था इसके लिए। सो यस, दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। स्टार्ट करना है तो बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, पता नहीं आपको क्या पता कल को पसंद आए नहीं पसंद आए, इसलिए आप स्टार्ट करो इन सब चीज़ों से छोटे छोटे। तो ये मुझे चाहिए था और मेरा मस्कारा ख़त्म हो गया था। यस, तो मैंने इस बारी इनसाइड का वापस से इनसाइड, मतलब मैं इनसाइड इतना करने लगी, आप लोगों को लगेगा कि इनसाइड ने मुझे पैसे दिए हैं इसके लिए। नहीं नहीं, मेरे को ये फ्री PR कर रही हूँ मैं उन लोगों के लिए, मेरे को कुछ भी पैसे नहीं आए हैं। और आप ना इसकी MRP अगर देखी जाए तो है 210 रुपीज़, बट आई थिंक अगर ये मुझे 180 का पड़ गया था, मिल गया था, अच्छी डील मिल रही थी। आपको रिटेल वगैरह में भी इतना मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बहुत अच्छा ये था बम्पर डील मिल रहा है, पता ऐसा नहीं है। इसको मैं ऐसे करूँ क्या वापस से, पता चला ये भी टूटेगा। एक मिनट को खोल के दिखाती हूँ। तब तक अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, इसका मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर दे देना, कमेंट करना जरूर करके बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है और कौन सा हॉल में वीडियो करूँ या कौन सा प्रोडक्ट रिव्यू करूँ आप लोगों के लिए, जरूर कमेंट करके बताना। और ये हो गया ओपन, सो अभी मस्कारा देखते हैं। इसके पहले मैंने ये यूज कर रखा है तो इसकी ब्रशेस देखो, हालांकि मैंने लाइनर लगा रखा है बट फिर से एक लगा लेती हूँ, लग रहा है ना। देखो भी मैंने लगाया है, थोड़ा सा ऊपर से ही थोड़ी सी ब्रशिंग मार दी है, अच्छा लग रहा है ना। सो अगेन इनसाइड का आई डोंट नो वाटर प्रूफ है कि नहीं, इसने लिखा तो नहीं था ऐसा कुछ, बट ये सब एसेंशियल्स आप लोगों के पास होने चाहिए, लाइक लाइनर्स, मस्कारा, कुछ न्यूड कलर्स और तो बेसिक मेकअप्स के लिए। अगर आप हाई लेवल पे जाना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे आपको अच्छे, मतलब बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, बट टू स्टार्ट विद आई थिंक ये सारे डिसेंट प्रोडक्ट्स हैं, आपको अच्छे ब्रांड में अच्छी क्वालिटी में ये सस्ते मिल जाते हैं। अदरवाइज आप 500 वाला भी मस्कारा खरीद सकते हो, आई विल नॉट से कि मत खरीदो, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो गुड डील। और उसके बाद लास्ट जो हमारा ये है, मतलब मैंने मेकअप, मैं बहुत टाइम से अपना मुझे फाउंडेशन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कौन सा फाउंडेशन लूँ, कौन सा कंसीलर लूँ, क्योंकि इसके पहले मैं लेती नहीं थी कुछ भी। सो यस, मैंने ऑर्डर किया ये लैक्मे का 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट फ्रेश आपका फाउंडेशन। इसका नंबर शेड है W120 वार्म क्रीम। ये मेरा शेड नहीं है, ये मेरा शेड से डार्कर है शेड, मेरे को थोड़ा लाइटर शेड चाहिए था बट वो अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैंने बोला, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक फाउंडेशन था तो मैंने बोला मिक्स करके लगा लेंगे, अदरवाइज इससे भी एडजस्ट कर लेंगे। तो जो अभी मैंने अप्लाई करके रखा है ना, ये वही शेड है। एंड देन अगर बात की जाए तो देख लो मेरे मेकअप को, देख लो आप लोग, अब मेकअप देख सकते हो, यही मैंने फाउंडेशन यूज़ किया हुआ है और ये कुछ ऐसा दिखता है। सो देखो, एक स्पैचुला के साथ आता है, थोड़ी लिक्विडी रेनी फॉर्म में रहता है देखो, तो आप लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना। अगर मैं बोलती हूँ इसकी जगह अगर पंप रहता तो ज़्यादा बेटर होता, मेबलिन वगैरह में आपको पंप मिलेगा, बट लैक्मे में ऐसे ही है। इसकी MRP की बात की जाए तो 500 थी, बट अभी दिवाली सेल चल रहा है तो मुझे अच्छा डील मिल गया, तो आई गॉट दिस वन 375 में, क्योंकि ये मुझे याद है, क्योंकि मुझे मैंने इसके लिए बाहर भी पूछा था तो मुझे 400 से नीचे नहीं मिल रहा था, तो आई गॉट दिस 375 में, तो मैंने बोला अच्छी डील है ले लेते हैं। एंड देन ये आपका कंसीलर प्राइमर प्लस मैट जो मुझे मिला है, इसका कलर था नंबर 20 क्या था, तो इसमें लिखा तो नहीं है बट आई थिंक इसका मेरे को याद नहीं है, अलग चेक एंड मैं आप लोगों के लिए अपडेट कर दूँगी। और ये 400 इसकी MRP थी, अगेन मुझे रिटेल पे मैं बता कर रही थी तो मुझे ये लोग वो मुझे 375 से नीचे नहीं दे रहे थे, बट आई गॉट ऑन 330 पे मुझे मिल गया। ये 2014 में ये एक्सपायर होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये। तो ये कुछ ऐसा बॉक्सिंग इसकी ऐसी है, और देखो
अगेन मैंने ये अपने शेड का ही कलर लिया है, सो ये अपने शेड से लाइटर नहीं लिया है और वही मैंने यूज़ किया हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है बट इतना तो है कि कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है। सो येस, दिस इज़ अगेन लैक्मे का प्राइमर प्लस मैट। मैं अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ, इसका रिव्यू मैं दे सकती हूँ कि हाल फिलहाल तो ये अच्छा है, बाद में शायद मैं इसे ट्राई करूँ, मेबेलिन वगैरह ट्राई करूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को कोई और भी चाहिए तो जो मैं रिव्यू करूँ आप लोगों के लिए। सो यस, ये था मेरा मतलब इन सब चीज़ों से मैंने आज का मेकअप किया हुआ है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोगों को ये मेकअप जो लुक दिख रहा है ना, इन्हीं सारे मेकअप से मैंने किया हुआ है। सो यस, एक बार देख लो मेकअप भी देख लो, और ये तो मीशो का है, मैंने आप लोगों को जैसे बताया। सो गाइस, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑर्डर आपके लोगों की वजह से एक्सप्लोर किया, क्योंकि आप लोगों को मैं अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करके दूंगी और आप लोग अच्छा अच्छा प्यार मुझे शेयर करते हो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो ज़रूर एक थम्स अप दे देना एंड कमेंट विद अ स्माइली कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है और आगे कौन सा वीडियो मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए, और अच्छे अच्छे मेकअप से रिलेटेड या होम डेकोर या क्या आप लोगों को चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताना। ये था पार्ट टू आप लोगों के लिए, मैं अगर आप लोग कमेंट करोगे, क्योंकि आपने फर्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा प्यार अच्छे से दिया था तो मैंने बोला कि चलो इसका पार्ट टू तो बनता है, तो मैंने ये मेकअप पार्ट टू तो किया। अगर पार्ट थ्री चाहिएगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं इसकी पार्ट थ्री भी बना दूंगी एज लाइक अमेजोन हॉल पार्ट थ्री। मतलब वो रैंडम शॉपिंग था जो मैंने अमेजोन पे किया था, एंड दिस इज अगेन आपके कमेंट की वजह से ये मैंने बनाया, एंड देन दिवाली भी चली थी इस वजह से भी। सो पार्ट थ्री अगर चाहिए तो ज़रूर कमेंट कर देना, जल्दी जल्दी कमेंट करो और ताकि मैं जल्दी जल्दी पार्ट थ्री भी बनाऊँ इसका। चलो फिर आज के लिए इतना ही, आई विल सी यू सून विद अनदर हॉल वीडियो। टिल देन अपना ख्याल रखे एंड कीप सपोर्टिंग बॉब एंड मॉम। बॉब अभी स्कूल गया है तो मेरे को भी थोड़ा टाइम मिल रहा है। चलो देन, lots of love, thank you for watching, take care, bye bye.